आजकल ये डिबेट चल रही है कि साहब पानी कितना पिए, और एक होड़ चल रही है पानी कितना पिए। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि अत्यधिक पानी भी शरीर के लिए उतना ही नुकसानदायक है जितना कम पानी पीना। आज हम आपको बताएंगे कितना पानी पिए और पानी की कमी हो तो कैसे घरेलू नुस्खे से दूर करें। दोनों बातें इस वीडियो में आपके सामने है। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, बहुत बातचीत होती है पानी के विषय में। पानी यानी वाटर, जो कि एक अल्टीमेट एंटिटी है, दुनिया में एग्जिस्टेंस की सबसे पुरानी एंटिटी है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु के जब पहले रूप मत्स्य के विषय में बात हुई थी, मत्स्य यानी कि फिश, तो ये जाहिराना बात है कि अगर फिश के बारे में बात हो रही तो फिश वाटर में ही इवॉल्व करती है। तो एक बड़ा गंभीर विषय वाटर, जिसके लिए बहुत बात होती है। और जाहिर सी बात, जब इतनी बड़ी बात होती है तो फिर उसमें कुछ बात तो होगी। सूरज से भी पहले एवोल्यूशन, सन से पहले भी पहले इवॉल्व होने वाली चीज वाटर थी, यह साइंस ने प्रूव करा है। तो वाटर के विषय में साथियों, हम आपसे दो बातें बताना चाहेंगे। पहली बात साथियों, ये बताना चाहेंगे कि एक्सेसिव वाटर पीना भी नुकसानदेह होता है। आजकल जो एक होड़ चली है कि पानी ज़्यादा पियो, पानी शुड बी, वाटर शुड बी हाफ ऑफ द बॉडी वेट। तो पानी ज़्यादा पियो, 70% पानी, सब अपनी धरती 70% सी है, अपना शरीर 70% वाटर है, पानी बहुत पियो। लेकिन जब हम पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं तो हम अपने अंदर के एनवायरनमेंट को, सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस को, सॉल्ट्स के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। और एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आप देखिए, मतलब ये देखा गया है कि अगर आप सोने से एक घंटा पहले पानी पी लेते तो बहुत लोग फिर रात में पेशाब के लिए नहीं उठते हैं। लेकिन अगर वो सोने के पहले भी दो गिलास पानी पी लेते हैं तो उन्हें रात में 4 बार पेशाब जाना पड़ता है। और 4 बार पेशाब जाने का मतलब यही, यूरिनेशन करने जाने का मतलब ये है, फिर आप रात भर सो नहीं पाएंगे। तो जितना पानी पीने से फ़ायदा नहीं होगा उससे ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा, क्योंकि आपके बॉडी जो लीवर रात में बॉडी को डिटॉक्स करता है, वो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए पानी बहुत लिमिटेड पीना चाहिए। और एक प्रिपरेशन, एक मैं कहूंगा मेडिकल प्रिपरेशन, मैं जो आपको बता रहा हूं यह अल्टीमेट प्रिपरेशन है, आप इसको दिन में 1 से 2 बार जरूर पीजिए। यह प्रिपरेशन आपके सोडियम पोटेशियम आयंस को बॉडी में बैलेंस करेगा पूरी तरह से, और आपकी जो भी कमी होगी वाटर रिलेटेड उसको ठीक करेगा। और बहुत आसान सी बात है साथियों, बहुत आसान सी, 1/4 नींबू ले लीजिए, 1 बड़ा गिलास पानी ले लीजिए, उसमें सी सॉल्ट, सेंधा नमक, या जो सेंधा नमक बल्कि मैं कहूँगा रॉक सॉल्ट जो है थोड़ा सा, या सी सॉल्ट जो भी आपको अवेलेबल हो वो डाल दीजिए, और थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, थोड़ी तुलसी डाल दीजिए, और जो है थोड़ा पुदीना डाल दीजिए। पुदीना जब मौसम में ना हो तो ना चिंता करिए, ना डालिएगा, बाकी सामान कर दीजिए। तो इसका बेसिक चीज़ है वो आपका लेमन हो गया, लाइम, वाटर, सॉल्ट और हनी, ये 4 चीज़ें तो हैं, ये तो आपको हर सीज़न में अवेलेबल है। और जब आपके पुदीना और तुलसी आपके पास अवेलेबल हो तो वो भी डाल दीजिए और इसको आप पीजिए। आप देखेंगे कि आपके बॉडी का सारा सॉल्ट रिप्लेनिश हो जाएगा और आप अपने को आनंद में पाने लगेंगे, ऊर्जावान पाने लगेंगे। और मैं फिर कहूंगा पानी पीजिए खूब, लेकिन सोच समझ कर। बात साथियों अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों, इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।